ये है मेरे पास एक मार्बल। आपने छोटे होते शायद इनके साथ खेला होगा या फिर किसी को खेलते हुए देखा होगा। इस मार्बल को अब मैं जूम करके आपको यहाँ दिखाती हूँ। अब देखें, आपको इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये सभी एक दूसरे से अलग है। ठीक ऐसे ही सेल के अंदर भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है और वो एक दूसरे से अलग होती है। ए स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ए सेल ऑर्गेनेली। इट हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेकअप एंड परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। नेमली, फर्स्ट इज विदाउट मेम्ब्रेन। सम सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सम ऑर्गेनेल्स आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, वैक्यूल, लाइजोसोम, गोल्जी अपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। थर्ड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। अभी जो हमने थ्री कैटेगरीज के बारे में पढ़ा है, उनमें हमने कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम भी लिए हैं, जैसे कि वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एटसेट्रा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं आउटर मोस्ट ऑर्गेनेल के बारे में, दैट इज सेल वॉल। जैसे कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि सेल वॉल मतलब क्या है। सेल की वॉल जैसे कि आपके घर की वॉल होती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इज ओनली फाउंड अराउंड प्लांट सेल्स एंड ए फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक इन फंजाई, काइटिन सेल वॉल इज फाउंड। सेलुलोज इज ए पॉलीमराइज शुगर दैट इज क्लासिफाइड एज ए स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट एंड नॉट यूज फॉर एनर्जी। Plant cell is like a water balloon. The cell wall is like a wooden box that protects the balloon. The balloon is protected from the outside world by a structure that provides protection and support. All cell walls contain two layers, the middle lamina and the primary cell wall. And many cells produce an additional layer called secondary wall. The middle lamina serves as a cementing layer between the primary walls of adjacent cells. The cell wall actually performs many functions, and such functions include providing the living cell with mechanical protection and a chemically buffered environment. ये cell को protection provide करता है और cell के बाहरी और अंदरूनी environment को mix होने से बचाता है, providing a porous medium for the circulation and distribution of water, minerals and other small nutrient molecules. Providing rigid building blocks from which stable structures of higher orders such as leaves and stems can be produced, and providing a storage site of regulatory molecules that sense the presence of pathogenic microbes and control the development of tissues. क्या आपको मालूम है, हम humans and animals के cells में cell wall नहीं होती, और इसके बारे में आपने previous video lesson में पढ़ा था। Cell wall के next आती है cell membrane और plasma membrane. One of the most important parts of the cell is the cell membrane. The cell membrane acts as a semi-permeable barrier. It allows only a few molecules across it, and it fences the majority of organically produced chemicals inside the cell. The cell membrane offers shape and rigidity to the cell. सरल भाषा में इसे समझते हैं। मैं इस जाली में से मिट्टी वाला पानी छान देती हूँ। ये देखें, मोटे पार्टिकल्स ऊपर जो रह गए हैं, बट स्मॉल पार्टिकल्स नीचे जाली से चले गए हैं। ठीक इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी अलाउज फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक एग है। हम सपोज करते हैं ये एग शेल सेल की सेल मेम्ब्रेन है। अब मैं इसे तोड़ती हूँ। ये जो येलो पार्ट है योक, इसे हम न्यूक्लियस मानते हैं, और जो व्हाइट विस्कस पार्ट बच गया है इसे हम साइटोप्लाज्म मानते हैं। ठीक ऐसी ही अरेंजमेंट होती है सेल की और उसकी ऑर्गेनेल्स की।